हाय फ्रेंड्स, के टू फूडी ब्लॉग्स को आप सभी को मेरा स्वागत। मैं हूँ कादम्बिनी खुंडिया। आज मैं एक बहुत ही शानदार फ्रेश वीडियो आपके पास लेके आई हूँ। आप पूजा और व्रत के समय ये डिश बना के घर पर खा सकते हैं। गर्मी के मौसम में परवल ज़्यादा मिलता है, इसलिए मैंने सोचा कि परवल के ऊपर एक डिश लाऊँ, तो इसलिए मैंने परवल के ऊपर एक डिश लाया। अच्छा डिश है, आप घर पर बना के खा सकते हैं। बहुत आसान रेसिपी है, जल्दी भी हो जाता है। ये डिश का नाम है परवल कोरमा। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। लाइक सब्सक्राइब करने में पैसा तो नहीं लगता, तो फिर कंजूसी क्यों? तो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना मुझे मेरा परवल कोरमा आपको कैसा लगा। इस वीडियो को स्किप ना करके एंड तक जरूर देखिए ताकि आपकी रेसिपी अच्छे से बन पाए। तो चलिए फिर शुरू करें रेसिपी। यहाँ पर हमने 250 ग्राम परवल लिए हैं। इसका पील्स को छिलकर इसको हम अच्छे से वॉश कर लिए। परवल की दोनों साइड्स को मैंने इस तरह कट कर लिए हैं इसके अंदर अच्छे से मसाला जा सके। यहाँ पर मैंने दो आलू को कट कर लिए हैं। कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब हम तेल डालेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम परवल को डालेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी मिला के इसको अच्छे से मिला के फ्राई करेंगे। अब हम ढक्कन लगा के 2 मिनट तक पकाएंगे। हम मसाला रेडी करेंगे। मसाला के लिए थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा पीनट और 8-10 काजू लिए हैं। और पानी में 1 चम्मच खसखस को भिगो के रखे थे, इसको हम डाल देंगे। 2 हरी मिर्च और 2-4 काली मिर्च लिए हैं। ढक्कन खोल के हम चेक करेंगे, परवल एक साइड हो गया है। अब दूसरे साइड पलट लेंगे। परवल अब हमारा हो गया है, इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम आलू को फ्राई करेंगे। ढक्कन लगा के इसको 2 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि अच्छे से गल जाए। मसाला को हमने ग्राइंड कर लिया है, अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। आलू हमारा फ्राई हो चुका है, इसको हम निकाल लेंगे। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और डालेंगे। तेल गरम हो चुका है, हमने एक चम्मच साबुत जीरा डाले हैं, 1 तेज़पत्ता डालेंगे और थोड़ा सा हींग डालेंगे। हींग डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब हम मसाला को डालेंगे। मसाला को 2 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। अब हम सूखे मसाला ऐड करेंगे। इसके लिए हमने लगाया 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला। इसको हम अच्छे से भुनेंगे, इसके साथ अच्छे से मिलाएंगे। मसाला तेल छोड़ने तक हम उसको भुनेंगे ताकि मसाला हमारा कच्चा ना रह जाए। अब हम यहाँ पर 2 मीडियम साइज टमाटर को प्यूरी करके रखे थे, इसको हम डालेंगे और थोड़ा सा इसके साथ अच्छे से पकाएंगे। 2 मिनट तक इसको हम भुनेंगे ताकि मसाला के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए मसाला कितना अच्छे से तेल छोड़ दिए हैं और बहुत बढ़िया खुशबू भी आए हैं। इसको हम थोड़ा सा भून के भुनेंगे। मसाला रेडी हो गया है, अब हम इसमें परवल और आलू को डालेंगे। इसको 2 मिनट तक इसके मसाला के साथ भुनेंगे ताकि अच्छे से मसाला इसके अंदर कोट हो जाए। यहाँ पर मैंने 2 बाउल पानी डाले हैं ताकि ज़्यादा
पतला हो जाए तो ग्रेवी अच्छा नहीं लगे, थोड़ा सा ग्रेवी हुए तो परवल कोरमा अच्छा लगेगा। पानी में उबाल आ गया है, देखो यहाँ पर मैंने एक चम्मच शुगर डाले हैं ताकि परवल अच्छा लगे। परवल हमारा रेडी हो गया है, ग्रेवी अच्छा सा थिकनेस आया है। यहाँ पर मैंने अमूल का एक चम्मच बटर डाले हैं। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। गार्निशिंग करने के लिए थोड़ा सा कसूरी मेथी को हमने हाथों से क्रश करके डाले हैं और कुछ नहीं डाले हैं। देखो कितना अच्छा प्यारा कलर आया है, कितना अच्छा खुशबू आया है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। आप एक बार घर पर जरूर बनाएं। रेडी हो गया है हमारा परवल कोरमा। आप इसको रोटी पराठा नान के साथ खा सकते हैं।